हाँ तो गाइस वाह, जब से ये लेंस कार्ड टाइटन इन जैसा बड़ा बड़ा ब्रांड आया ना, जब से हमारी दुकान की सेल्स डाउन पर डाउन होते जा रहे हैं। साला पता नहीं इनके पास ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो साला हमने पास नहीं है। ये सभी कस्टमर का नाम पता फोन नंबर सब रखा था, वो साला हम यहाँ पे लल्लू लाल जैसा कापी में लिखत लिखत परेशान हुई गया है। छोटे मोटे चश्मे की दुकान वाला क्या करे कि कस्टमर का ऐसे लेके डेटा कैसे क्या रखे, क्या कोई है हमारी मदद करेगा ये चीज समझने में कि कस्टमर का ऐसे लेकर डेटा हम कैसे डेटा एक ही कॉपी में या ऐसे कौन सा सॉफ्टवेयर जी में रख सकते है। हाँ तो गाइस मैं हूं ना आप लोगों की मदद करने के लिए। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है आप में से बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन होगा, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक सॉफ्टवेयर जो कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। सॉफ्टवेयर जो है CRM सॉफ्टवेयर, इसके क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, इस CRM सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या पड़ने वाली है, आपको कितने का क्या मिलने वाला है, उस साथ साथ वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे आप लोग कहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग पावरफुल होने वाला है, तो जल्दी से बिना किसी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। चलिए किंग फॉर मी इट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब आप में से बहुत से लोग सबसे पहले प्राइस जानना चाहते होंगे, पर प्राइस जानने से पहले आप लोग इसके कुछ फीचर्स जान लीजिए। तो फीचर नंबर वन, मैनेज कस्टमर डेटा इट वन पॉइंट, मतलब कि एक ही जगह पे एक ही सॉफ्टवेयर में आप लोग कस्टमर का ए से लेकर जेड तक। अब मैं ए से लेकर जेड तक क्यों बोल रहा हूँ, इसमें क्या क्या आता है अगर मैं आपको बताऊँ, तो आप लोग कस्टमर का नाम, आप लोग कस्टमर का फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसका घर का एड्रेस, उसने इस बार कितने का चश्मा खरीदा था, पिछले बार कितने का चश्मा खरीदा था, उसने कौन से ग्लासेस डलवाए थे, वो कब डलवाए थे। तो ये जो कस्टमर का डेटा रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हो गई है, लेंस कार्ड हो गए, टाइटन हो गए, इस तरह की बड़े बड़े जो चश्मों के ब्रांड हो गए, वो यही तो करते हैं। क्या करते हैं, कस्टमर का डेटा रखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, वो उस तरीके से अपनी नई नई स्ट्रेटेजीज बनाते रहते हैं। तो आप लोगों के पास भी कस्टमर का डेटा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर जिसके पास डेटा होगा वही इस मार्केट का किंग बन सकता है। तो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड, प्रिंट बारकोड एट होम। हाँ फ्रेंड्स, क्या इस सॉफ्टवेयर से क्या क्या होगा मैं बताऊं। दूसरा इसका सबसे बढ़िया फीचर जो मेरे को लगता है वो ये कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग इस तरीके से बारकोड भी प्रिंट कर सकोगे। हाँ फ्रेंड, क्या मैं कोशिश करूंगा साइड में वीडियो चलती हुई डाल दूं, इस तरीके के कंप्लीट सॉफ्टवेयर से आप लोग इस तरीके के बारकोड घर पे बैठे बैठे प्रिंट कर सकोगे। आपको कुछ नहीं, केवल एक लैपटॉप और एक प्रिंटर की जरूरत होगी। आप लोग घर बैठे बैठे इन बारकोड प्रिंट करने से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, इससे कस्टमर का विश्वास आपकी ओर बढ़ेगा। मतलब कि कस्टमर को लगेगा हाँ भैया सभी चश्मों पर बारकोड डाल गए, मतलब इनका कहीं ना कहीं प्राइस फिक्स होगी। हाँ फ्रेंड्स, फीचर नंबर थर्ड, मैनेज इन्वेंट्री। अब आप लोगों को ये जो फीचर बहुत ही यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग माल खरीदते हैं और आप लोगों भी बहुत सी बार भैया चक्र रहता है सर के भी इतना सारा चश्मों का माल है कैसे क्या मैनेज करेंगे, कितना माल खत्म हुआ, कितना माल बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी सेल्स हुई, कितना लॉस हुआ, ये सब आप लोग एक छोटे मोटे व्यापारी ये जज नहीं कर पाते, ये पता नहीं लगा पाते। तो यही सॉफ्टवेयर आप लोगों को यहाँ पे मदद करेगा कि आप लोगों का इस महीने कितना माल बिका, किस पार्टी से कितना माल लिया, उसको कितना उधार लिया, उससे कितना कैश में लिया, कितना पेमेंट बाकी है, ये सभी जितनी भी जानकारी आप लोग इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर पाए। फीचर नंबर फोर, प्रोवाइड रॉयल्टी प्रोग्राम टू द कस्टमर्स, मतलब कि आप लोग इससे रॉयल्टी प्रोग्राम्स भी चला सकेंगे। अब रॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। रॉयल्टी प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है, वो आपके यहाँ एक बार आया, तो आप लोग उसे इस तरीके से कुछ स्कीम कार्ड बना के दे सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन रहता है, अलग से मैं आपको डेमो में दिखाऊंगा कि एक रॉयल्टी पॉइंट का ऑप्शन रहता है, जिससे कि आप लोग सभी कस्टमर को एक डिस्काउंट कार्ड बना के दे सकते हैं कि भैया आपने अगर इस बार चश्मा 500 का खरीदा, तो आप लोग अगली बार खाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, 5% ऑफ मिलेगा, वो आपके ऊपर है। इस तरीके से रॉयल्टी पॉइंट्स या रॉयल्टी स्कीम चला सकते हैं, जिससे कि कस्टमर आपके पास बार बार रिपीट आएगा। और मैंने देखा है कि हमारे शॉप में भी यही होता है कि अगर 10 कस्टमर आते हैं, अगर उसमें से 5 कस्टमर भी रिटर्न आ गया, तो हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है। यही बड़ी बड़ी कंपनी स्ट्रेटेजी लगा के चल रही है, लेंसकार्ट, टाइटन, इन जैसे बड़े बड़े ब्रांड यही करते हैं कि कस्टमर को रिपीट लाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, कस्टमर को रॉयल बनाते हैं, कस्टमर को अपना वफादार बनाते हैं। इसी तरह से हमें भी इस तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज करके कस्टमर को रॉयल बनाना है। फीचर के वो चलने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे लाल कलर का बटन दिखा होगा, सिर्फ दबा के पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब जब मैं इस तरह के अवेलेबल कॉन्टेंट चश्मों से संबंधित अपलोड करूँ, सबसे पहले आप तक पहुँचना चाहिए। मैनेज मोर देन वन ब्रांचेस। अब इसका क्या फायदा हुआ, ये सॉफ्टवेयर से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, मतलब कि हमारे चश्मे की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 से ज़्यादा चश्मों की ब्रांचेस है। तो हम बहुत सी बार भैया पकड़ा जाते थे कि इतने सारे चश्मों की जो फ्रेंचाइजी है, या हम इतने सारे दुकानें चला रहे हैं, इनको एक साथ कैसे मैनेज कर। अगर आप लोग दिल्ली में हैं, बम्बई में, या ऑल ओवर इंडिया में, या फिर वर्ल्ड में कहीं भी है, उसी सॉफ्टवेयर से बैठे बैठे आप लोग लॉग इन करके अपने कोई सी भी फ्रेंचाइजी उसमें देख सकते हैं कि आज कितनी सेल हुई, आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितना लॉस हुआ, या फिर आज यहाँ पे कितना माल आया, कौन कौन से कस्टमर नए नए आए, कौन कौन से, सभी डेटा इसे लेकर डेटा आप लोग उसी सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट में, जिसमें कि आप लोग जानना चाहते होंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर भाई तू बता रहा है CRM
मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसकी क्या कॉस्ट पड़ने वाली है, तो मैं आपको बता दूं ये दो तरीके से आपको लोगों को मिल जाएगा। एक तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। ऑफलाइन जो सॉफ्टवेयर होगा जिसमें कि आप लोग कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को एक ही लैपटॉप में डलवाना पड़ेगा और एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हों, आप लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 1000 प्लस GST, और ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है उसकी आपको प्राइस पड़ेगी 4999 प्लस GST। हाँ फ्रेंड्स, क्या इसकी, इन दोनों की कॉस्ट। अब वीडियो के मेन पार्ट पर चलते हैं जो कि है लाइव डेमो, तो दिखा भी टू यूज है। आइए जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। वीडियो में मैं आपको क्विकली बताऊंगा कि ऑप्टिकल CRM सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स है और ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन में, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ हमारा ऑप्टिकल CRM सॉफ्टवेयर। तो यहाँ टॉप में हमने मेन्यूज दिए हैं जैसे होम, डैशबोर्ड, सर्च इन्वेंट्री, सर्च कस्टमर्स। तो हमारे यहाँ पे जो डैशबोर्ड है इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन क्विकली मिल जाएगा कि आपके कितने पेंडिंग ऑर्डर्स है, कितना कलेक्शन पेंडिंग है, कितने आपका आज का सेल्स है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, कितने कस्टमर्स का बर्थडेज है, एनिवर्सरीज है, करंट मंथ में आपका क्या प्रॉफिट चल रहा है, आप पर्टिकुलर ब्रांच का देख सकते हो, सारी ब्रांच का एक साथ देख सकते हो। तो ये काफी यूनिक फीचर है, आपको अपने बिजनेस का सारा समरी एक जगह मिल जाता है डैशबोर्ड के अंदर। उसी तरीके से कस्टमर सर्च ऑप्शन हमारे पास है जहाँ पे आप कस्टमर का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हो, और सर्च करने से अगर उस कस्टमर का कोई डिटेल होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मल्टीपल कस्टमर्स है तो मल्टीपल डिटेल्स आएगी, कस्टमर का आप सारा डिटेल एक जगह देख सकते हो कि उसके पास कितने कूपन्स है, कितने प्रिस्क्रिप्शन है, कितनी बार वो आपके दुकान पे आ चुका है, कितने का उसने आज तक आपकी दुकान से खरीदी की है। तो इस पर्टिकुलर पेज से आपको कस्टमर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगी। उसी तरीके से हमारे पास इन्वेंट्री सर्च है जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का नाम या कोई भी प्रोडक्ट की पैरामीटर्स लिख के आप सर्च कर सकते हो और आपको सिस्टम दिखाएगा कि आपके पास कितना स्टॉक है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो आप क्विकली इन्वेंट्री सर्च कर सकते हो यहाँ पे। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है सेटिंग्स का, तो इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सेटिंग्स है जहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो सेटिंग्स और सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो ताकि आपको रोजमर्रा में यूज करने में सॉफ्टवेयर इजी हो जाए। हम मेन्यूज की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ काफी सारे मॉड्यूल्स है जैसे प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, परचेजेस, सेल्स, कस्टमर्स, रिपोर्ट्स, SMS, प्रिस्क्रिप्शन, अकाउंट्स। तो इस मॉड्यूल्स को यूज करके आप अपने सॉफ्टवेयर में सारे फीचर्स, हमने सारे जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में तो उस सारे सॉफ्टवेयर को हमने एक सॉफ्टवेयर में मिला के बनाया है। जैसे आप इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर आपको अलग से नहीं लेना है, आपको कोई CRM सॉफ्टवेयर सेपरेट नहीं खरीदना है, आपको बारकोड का सॉफ्टवेयर को अलग से नहीं लेना है, तो हमने सारा सॉफ्टवेयर इसमें एक ही में मिला दिया है। तो प्रोडक्ट्स में आप अपने सारे प्रोडक्ट्स मैनेज कर सकते हो, फ्रेम, सनग्लासेस, लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस। इन्वेंट्री में आप सारा स्टॉक देख सकते हो, कितना स्टॉक आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सा स्टॉक कितना अवेलेबल है, आप डायरेक्टली यहाँ से इन्वेंट्री ऐड कर सकते हो, परचेज ऐड कर सकते हो, चलान ऐड कर सकते हो, या कोई स्टॉक को एडजस्ट भी कर सकते हो आप। उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक स्टॉक मूवमेंट का फीचर दिया है जो कि बहुत अच्छा है। इस फीचर में आपको इजीली पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने कितना इनवर्ड मूवमेंट लिया, कितना आउटवर्ड मूवमेंट लिया और आपके पास कितना अवेलेबल स्टॉक है। तो हमारे पास काफी सारे तरीके हैं, जैसे इंपोर्ट कर सकते हो आप स्टॉक, चलान ऐड कर सकते हो, परचेज ऐड कर सकते हो, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर स्टॉक हो सकता है, प्रोडक्ट का परचेज ऐड कर सकते हो, चलान ऐड कर सकते हो। और आपको इम्पोर्टेंट इसके अंदर फीचर ये है कि आपके अकाउंट्स इजीली मैनेज हो रही है, तो जितने भी परचेज आप कर रहे हो, जो भी सप्लायर के पास आप खरीद रहे हो, उसका सारा अकाउंट्स आपको इजीली मैनेज हो जाएगा जिसमें आपको कोई सेपरेट एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। प्लस हमारे पास यहाँ बारकोड का फीचर्स है तो आप इसमें से बारकोड प्रिंट कर सकते हो, तो जैसे आपको विथ लोगो इस तरीके से नॉर्मल बारकोड प्रिंट कर सकते हो, आप QR कोड वाले बारकोड प्रिंट कर सकते हो इस तरीके से, तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन है बारकोड प्रिंट करने के। और हम वापस सॉफ्टवेयर में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स, सेल्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप जब क्रिएट ऑर्डर कर रहे हो आप कस्टमर का सारा डिटेल कलेक्ट कर सकते हो, रेफरल कोड ऑप्शंस है, मेंबरशिप आईडी का ऑप्शन है, प्लस आपके पास लॉयल्टी पॉइंट ऑप्शन, डिस्काउंट कूपन है, आप कस्टमर का उधार रख सकते हो, OTP बेस्ड डिस्काउंट कर सकते हो, बिल आपको टैक्स, नॉन टैक्स, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कैसे बनाना है, तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस है। और आप एडवांस रिसिप्ट डाल सकते हो या आप डायरेक्ट इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको सेल्स करने के लिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास है डेली स्टेटमेंट, तो ये आपके लिए बहुत काम करता है क्योंकि इसमें अगर आप डेली स्टेटमेंट देखते हो पर्टिकुलर वीक का या मंथ का या करंट मंथ जो भी, आपको यहाँ पे एक ही PDF के अंदर सारा डिटेल मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर मंथ में कितना पेमेंट हुआ है, कितने ऑर्डर्स आए, कितना कलेक्शन आया, कितना एक्सपेंस हुआ। तो आपको टोटल समरी बिजनेस का आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में एक PDF डॉक्यूमेंट में मिल जाता है। तो ये बहुत यूनिक फीचर है हमारे पास डेली स्टेटमेंट PDF।
वैसे हमारे पास आइटम वाइज ट्रैकिंग सिस्टम है, आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि कितने स्टॉक आपके अभी ऑर्डर रेडी है, डिलीवर्ड है, या आपने कितने ऑर्डर भी लेंथ फिटिंग को भेजे हैं, फिटिंग से आने के बाकी है, वो सारा आप यहाँ पे ऑर्डर आइटम वाइज ट्रैकिंग आप कर सकते हो। प्लस हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अलग फीचर है जिसमें आप इंटर ब्रांच जीएसटी सेल्स कर सकते हो। अगर आपकी दो ब्रांच अलग अलग जीएसटी नंबर में है तो उसको आप यहाँ से सेल्स कर सकते हो, ऑटोमेटिकली जब आप सेल्स करोगे दूसरी ब्रांच में परचेज ऐड हो जाएगा, तो आपके लिए काम बहुत कम होगा और सिस्टम सारा कुछ ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेगा। फिर कस्टमर अगर बात करें तो यहाँ पे आप कस्टमर का सारा डिटेल कलेक्ट कर सकते हो, जितना भी आपको लेना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी डेट, एवरीथिंग कस्टमर का सारा डिटेल आप कलेक्ट कर सकते हो। कस्टमर की बर्थडे, बर्थ लिस्ट, एनिवर्सरी लिस्ट, आप डिस्काउंट कूपन कस्टमर्स के कितने हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स, एवरीथिंग। तो आप कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर मैनेजमेंट करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, इसीलिए हमारे सॉफ्टवेयर का नाम भी रखा गया है ऑप्टिकल सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट सारे रिपोर्ट दिए गए हैं, जीएसटी इनपुट आउटपुट, इन्वेंटरी रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट। और रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में, तो हमारे सिस्टम में कोई भी डेटा आपका लॉक नहीं है, आप सारा डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और हर एक रिपोर्ट में आपको समरी दिया गया है, तो आपको टोटल करने के लिए आपको एक्सेल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हमारे सिस्टम ही आपको टोटल बता देगी, एक ग्राफ आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा, तो पाई में भी आपको सारी इंफॉर्मेशन ग्राफिकल वे में दिख रही है। तो रिपोर्टिंग मॉड्यूल हमारा काफी एडवांस है। फिर एसएमएस की अगर हम बात करें तो हमारे पास बल्क एसएमएस ऑप्शंस है, आप व्हाट्सएप भेज सकते हो लोगों को, ऑटोमेटिकली ऑर्डर पे चला जाएगा, काफी सारे व्हाट्सएप एसएमएस के टेम्पलेट्स है, आपको ऑर्डर रेडी एसएमएस करने हैं, व्हाट्सएप करने हैं, वो भी हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की, तो प्रिस्क्रिप्शन में भी आप सारे ऑप्शंस आपको दिए गए प्रिस्क्रिप्शन मैनेज करने के लिए, पेशेंट का नाम, डॉक्टर का नाम, प्लस आपको चार अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन के वर्जन हमने दिए हैं, तो आप चार डिफरेंट वर्जन प्रिस्क्रिप्शन के आप स्टोर कर सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर में। तो ये फीचर आपको ऑलमोस्ट कोई सॉफ्टवेयर में देखने नहीं मिलेगा, जहां पे आप एक ही कस्टमर के एक ही बार में चार अलग अलग वर्जन आप प्रिस्क्रिप्शन के स्टोर कर सको। प्लस अगर हम प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, जहाँ पे आपका एडिशन डालने पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाता है, आपका टोटल आईपीडी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है, आप ट्रांसपोज वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, और आप कस्टमर का अलग से आईवेयर का प्रिस्क्रिप्शन और कॉन्टैक्ट लेंस का प्रिस्क्रिप्शन आप अलग से स्टोर करके रख सकते हो। तो ये काफी सारे एडवांस फीचर्स हमारे पास इसमें प्रिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उसी तरीके से हर एक प्रिस्क्रिप्शन हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है, जिसका नाम है प्रिस्क्रिप्शन डेटाबेस। तो यहाँ से आप उसका प्रिस्क्रिप्शन कार्ड प्रिंट करके दे सकते हो, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन कार्ड प्रिंट करने का ऑप्शन है, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन कार्ड प्रिंट हो जाएगा, तो आपको मैन्युअली प्रिस्क्रिप्शन कार्ड बनाना नहीं है, आप यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन का प्रिंट दे सकते हो। और अगर हम प्रिंट की बात करें तो यहाँ पे जैसे मेरे पास ओपन मैंने यहाँ रखा है, आपका एडवांस रिसिप्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हो थर्मल फॉर्मेट में, जो कि हमारे मॉल्स में अवेलेबल होता है, या आप A4 फॉर्मेट में निकाल सकते हो इस तरीके से। और हमारा जो इनवॉइस और एडवांस रिसिप्ट या प्रिस्क्रिप्शन पीडीएफ जो फॉर्मेट्स है वो काफी एडवांस है, जिसमें आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रॉपर फॉर्मेट में मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे मेरे सामने देख रहे हैं इनवॉइस, तो इसमें आपको कितने लॉयल्टी पॉइंट अर्न हुए, कोई डिस्काउंट कूपन दिया गया है तो कब तक वैलिड है, जीएसटी का पूरा टेबल आ चुका है, ब्रांड के लोगो सारे आ चुके हैं, आपके कोई टर्म्स कंडीशन लिखने हैं वो भी आप डाल सकते हो। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये काफी एडवांस है, और आपको एक कॉर्पोरेट लेवल का जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे शॉप में या जो बिजनेसमैन ज्यादा टेक्निकल नहीं जानता है, उसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको एक कॉर्पोरेट या बड़े कंपनी के लेवल में जो फीचर्स होते हैं वो आपको हमारे सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। और अब हम अगर सॉफ्टवेयर में बात करें, जैसे हमने प्रिस्क्रिप्शन मॉड्यूल देखा, और फाइनल हमारा अकाउंट्स मॉड्यूल है, तो जो भी बिजनेस का सारा अकाउंटिंग चीज है, जैसे आप सेल्स करते हो, कस्टमर का पेमेंट लेते हो, कैश मैनेज करना है, लेजर्स, वाउचर्स, वो सारी चीजें आपके अकाउंट्स में मैनेज हो जाती है। इवन रेफरल के पेमेंट्स, अगर आप कोई रेफरल पेमेंट करने वाले हो तो रेफरल के पेमेंट भी आपके मैनेज होते हैं, आपकी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट्स रिसीवेबल, पेएबल, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे मैनेज हो जा रही है। आपको एक फिंगर क्लिप पे पता चल जाएगा कि कितना आपका अकाउंट्स रिसीवेबल है और कितना अकाउंट्स पेएबल है, तो किस पार्टी को कितना पेमेंट देने का बाकी है वो आप एक मिनट के अंदर इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। हाँ तो गाइस, ये तो था कंप्लीट डेमो ऑफ ऑप्टिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, और अगर आप लोगों की भी चश्मे की दुकान है या खुलने का सोच रहे हैं तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, अभी बज रही रात के 9:30, हाँ फिर के आपको दिख रहा होगा नहीं, पर अभी बज रही रात के 9:30 मैं दुकान बंद करने के बाद भी आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों का केवल एक कर्तव्य तो बनता है कि चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर,
अगर इस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आप लोगों की चश्मे की दुकान है तो अपने सेल्स को किस तरीके से डबल किया जाता है ये लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, और राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपकी चश्मे की दुकान खुलना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।